Shining all around my room, my world's so bright, it's hard to... जो है नियो बच यार, लेकिन घातक बच जाता है, लाइक रिवाइव हो जाता है। नियो के ऊपर गोली चलाने की कोशिश, मगर किंग के ऊपर गोली चलाई, यहां पे रीलोड कर रहे हैं। दिलजीत भाई ने देख लिया है को कोई भाग के आ रहा है, नियो के पीछे देखने की कोशिश, पता है एक प्लेयर दिलजीत अभी आई गेस नॉक फिनिश होता है। हां पहले जाएंगे, मेरे ख्याल से घातक को पहले समाप्त कर देना चाहिए, मगर नियो वहां से बच के निकलते हुए उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता घातक को, और मेरे ख्याल से मरने देंगे। और यहां हमारी एंट्री हुई थी गाइस, मस्त जगह मिल गया था हम लोग को, बढ़िया सा ओवेस ही मारा था। हां दिलजीत को ओवेस ने मारा था यार, सिक जो है घातक बच गया देखो, ओवेस ने मारा। और यहाँ पे दिलजीत भाई को कर दिया है बाहर, और ये जो है आईएनडी क्लैन के दिलजीत भाई बाहर जाएंगे। M416 चल रही है, गोलियों की गड़गड़ाहट, और शार्को भाई यहाँ पे अपने घुटनों पे आते हुए डेजा वो वहां से भाई गूज़बम्स आते हैं देख के भी, मां का चला रहे हैं किंग यहाँ पर, मैं भी किंग मेरे साथ डबल किंग, और ये किंग ने कोशिश करी थी बट अफसोस। देखो गाइस मेरा एचपी देखो, ट्रांसिस मार्लो को मार के ओहो मेरा कितना सा एचपी बचा था, बड़ा नुकसान 90 को लेना, अकेला घुस गया था भाई। एक्शन ने शार्को को पिक ऑफ कर लिया, रौनक और ट्रांस के मेरा हेल्थ देखो, रौनक ने ट्रांस को पिक ऑफ कर लिया, ओह माय गॉड, जरा भी हेल्थ नहीं बचा था वहां, कसम शिकार हो गया प्ले जोन का। कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे रैंक के आ गए, बट ये आईएनडी क्लैन का नुकसान हो चुका है, आईएनडी का खात्मा होने वाला है, मात्र एक प्लेयर बचा है, उसके बाद हमें खबर आ जाएगी। स्काउट पिक ऑफ हो चुके हैं, ओआरबी के किंग ने उनको पिक ऑफ किया है, बट जो टीम सोल का कंट्रीब्यूशन था आईएनडी को तबाह करने में, मेरे हिसाब से वो 100% था। बट क्रैट अभी एनटीटी गेमिंग के पास सारे नंबर, और जैसे ही बोला वहां पे वाइट नॉकआउट होते हुए रौनक भाई ने उनको किया नॉकआउट, और ये जो तो है नॉक ही लीडर ही हो गया था वहां का गेमिंग के मैगजीन, यहां पे रौनक को करेंगे नॉकआउट, और निंजा वहां पे करते हुए पेन के हिटमैन को एनटीटी गेमिंग के मैगजीन ने समाप्त कर दिया। 6-6 लगाया, और सोल की टीम हम चारों इधर ही देख रहे थे गाइस, चारों इधर ही ऊपर ही देख रहे थे, किले 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 बड़ा बड़ लो, अगर ग्रेनेड फटता तो चारों के चारों जाते हैं, दिक्कत हो सकती है। मगर वहां पे एनटीटी गेमिंग के ऊपर गोलियां चलाते हुए वाइपर देख लिया है, पता है अंदर नहीं घुसना देना, बड़ी देर से लगी हुई है सोल की, मेरा भाई एकदम बढ़िया सा, ये देखो क्या गाइस वो जो फीलिंग था ना, मैं सच बता रहा हूँ आज भी भाई, पता नहीं वो बहुत बेस्ट फीलिंग था गाइस, जो शॉट मारा है और जो क्राउड ने चिल्लाया, ओहो ये क्या कर दिया, ये रौनक भाई का जादू चल रहा है AWM के साथ, और हमने उसकी पूरी गूंज सुनाई दे रही है यहाँ पे स्टेडियम के अंदर। गोली कहाँ चली, दिल कहाँ टूट गए पता नहीं चला, जिस तरीके से रौनक ने शॉट डिलीवर किया काफी ज्यादा, बट डाकू के लैंसर ने शानदार प्रयोग करके सिद्धू को यहाँ पे नॉकआउट तो कर दिया, बट एक्साइटिंग तो वही एंगल था जहाँ पे गॉडल यहाँ पे सोल वर्सेस एक्सचेंज को रिवाइव किया और एक्सचेंज को फिर से नॉकआउट कर दिया। ये मेरे को लग रहा है बार बार कह रहे तुम रिवाइव करो मैं तुम्हें दोबारा मारूंगा, और डैमेज बढ़ाए जा रहे हैं अपना, बढ़ाए जा रहे डैमेज जी, बिल्कुल डैमेज बढ़ाने का भी मेरे ख्याल से प्राइस होगा बट पता नहीं अभी हमें। बट यहाँ पे वाइपर भाई जो है यहाँ पर ओवेस कॉल दिया था फाइट लाइक हुआ, फिर मैं नेट डालने गया था अभी लूटते हो, मगर रौनक के ऊपर एक बार ये फोकस डालेंगे, देखते हैं डेजा वो इनके निशाने पे आ सकते हैं, बट वहाँ पे मॉर्टल भी खड़े, मॉर्टल की काफी अच्छी मैं कहूंगा जो पोजीशन बताए जा रहे हैं, कौन कितने पे खड़ा है, कितने एंगल कितने डिग्री, पूरा मैं कहूंगा टीपीपी का जो फायदा है, पूरा फायदा उठाया जा रहा है क्रैट, और टीपीपी तभी हमने ज्यादा प्रायोरिटाइज किया। मगर यहाँ पे लैंसर भाई गोली चलाते हुए निंजा को यहाँ पे नॉकआउट किया है, मगर वहाँ पे सिद्धू भाई ये दोनों नॉक हो जाते हैं, यहाँ पीछे से लैंसर यहाँ पे डाकू ऑफिशियल पीछे से नॉक हो जाते हैं, क्या हुआ है ये थोड़ी सी गलती होती हुई, गॉडल के अलादीन अंदर आए और डाकू लैंसर को और साथ ही साथ उनके सहयोगी टीममेट को नॉकआउट किया, मगर VSS के साथ वहां पे एनटीटी गेमिंग के एक्सटेंस यहां नॉकआउट होते हुए, ये पाइनएन का इलाका बड़ा ही खतरनाक हो गया है, क्योंकि ये नदी के बीच में मौत का खून जो है ज्वालामुखी, यहां पर नेड आएगा अभी, हां वो नेड वाला सीन के अंदर वो नीचे अभी, बट अभी एनटीटी गेमिंग के डेजा वू गेम के अंदर बने हुए क्रेटोस वहां पे घर के अंदर, सोल की टीम एक तरफ, RIP के लेजेंड खड़े, घातक यहां पे 8 बिट के मैट को करेंगे अलविदा। इधर मॉर्टल मर जाता था बस, मतलब जो पीछे था ना मर गया था आई गेस, शायद नॉक फिनिश हुआ था आई गेस, एनटीटी गेमिंग यहां पे अफसोस नहीं कर पाएंगे, बट मॉर्टल को यहां पे किल मिल चुकी है, कितनी बार शूट मॉर्टल गाइस, समथिंग वेरी फास्ट, अगर अभी नहीं किया तो काफी मुश्किल हो जाएगा। डेजा वू को बचाने के लिए मैं देख रहा हूं कि कोई आ नहीं रहा, अकेले मैगजीन बचे हैं, हां ये लेजेंड ने नॉक फिनिश किया था गाइस, लेजेंड ने उनको सीधा गेम से एग्जिट डोर, और टेड ने लेजेंड को मारा, लेजेंड टेड जोन से मर गया था, लेजेंड को किया है खात्मा, और टेड भी यहां पर जो है समाप्त होते हुए, बट भाई बहुत मजा आया था, काफी ग्रीडी था चाली, उनको किल मिल गई थी, हील करके पैसे हो सकते थे, बट उनको ये नहीं पता था आरआईपी के लेजेंड भी हैं वहां, तो अगर आपको एक शत्रु के बारे में पता ही नहीं, वो सबसे ज्यादा आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं अपने आप को बचाना कैसे है,
बट अभी भी सोल की उम्मीदें जाग रही हैं, अभी भी जगी हुई है, कौन तीन पेयर है उसमें से ओवेस, वाइपर और रौनक अभी भी जिंदा है। रौनक के पास अभी AWM है, अभी भी उस बंदूक में इतनी गोलियां हैं कि सारे सर्वर में जितने प्लेयर हैं उनको नीचे कर सके। 5 टीमें 10 प्लेयर, तो हर टीम से आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे प्लेयर शायद नहीं जिंदा होंगे। यहाँ पे काफी अच्छा चार्ज किया, यहाँ पे नियो ने अंदर गए सीधा, वहां पे जाके गॉड है लवी को समाप्त। ये पहले पानी में डायरेक्ट फिनिश होने वाला सीन बढ़िया था, अभी तो भाई क्या ही होता है। जो है नियो काफी ज्यादा दिक्कत में फंस सकते हैं और उनको वहां पे नॉकआउट किया गया है, मगर वही रौनक पीछे आते हुए मैं किल ले लिया था नियो का, गॉड से किल चुरा ली, वहां पे नॉकआउट किया किसने, किल कोई और ले गया, इधर वाइपर बच गया था, नसीब अंदर आ गया था वो। एनटीडी गेमिंग के मैगजीन लेटे हुए रौनक वहीं पे खड़े M416 के साथ, और मगर वहां पे घातक घूम कर आते हुए गॉडल के। अभी ये क्या गाइस, बढ़िया ही नेट था वे, लाइक कनेक्ट हो गया था, अकेले बचे अपने, उसका हेल्थ एकदम डॉट था ना, मजा आ गया जो फेंका था पूरा कुक, ये भी किल मिल जाता मेरे को अलादीन का, ये वाला शेर ने हमारा बिल्कुल चिकन बना लिया वहां पे, तंदूरी, बिल्कुल तंदूरी चिकन खाया, बट मैं वेजिटेरियन हूं गाइस बताने के लिए। और क्रेटो जो छुपे हुए थे ऊपर उनको भी रगड़ के मारा है यहाँ पर, और वाइपर का जो प्रेजेंस है इस गेम के अंदर वो शानदार है। क्या ही मजा आता था बे, माँ कसम अपने क्या टाइम था वो भाई, बढ़िया। एक पूरा झंडा लेके घूम रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पर उनको अकेला 3v2v1 चल रही है गेम, 6 प्लेयर जीत, ये किल मिल जाना चाहिए था यार मेरे को, ओ प्ले जोन से ही मरते हुए अलादीन। यहाँ पर 3v2 फिर हो गया था, ये लोग क्या मारने वाले, वाइपर कोई ना कोई कुछ चला रहा है, रन लेती है मगर ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, पोजीशन बढ़िया यहां पर मार दिया था, और ओवरसी की क्या पोजीशन है, क्रैट बाहर खड़े हैं घर के, पूरी विजन लेते हुए कि देजा वो वहां से घूम कर आएंगे और वहां पर उनको आके थोड़ा पकड़ सकते हैं, मगर वहीं पे M762 लेके पकड़ के खड़े हुए वहां पे, और ये 7.62 क्या यूं होती हुई, रौनक देख रहे हैं मैगजीन कहां पर है, और मैगजीन रौनक की खुद फुल है, मगर मैगजीन ने मोली डाली थी, और वो जो है मैगजीन, मगर वहां पे मोलोटोव फेंका है, देजा वो पे कनेक्ट नहीं होगा, देजा वो वहां पे छुपे हुए देख रहे हैं, उनको पता है देजा वो की पोजीशन कहां है, मगर वहां पे चार्ज करते हुए सोल के भाई पर ओवेज बढ़िया मारा था रे पूरा, और ये अकेले बचे हैं देजा वो, और यहां पर फुल बढ़िया बढ़िया मजा आ गया था गाइस तभी तो। लेट्स गो गाइस, 3K लाइक्स की तरफ बढ़ते हुए, और सब्सक्राइब कर दो, 383K हुए कि नहीं हमारे देखे जरा, 383K नहीं हुए अभी तक गाइस, फटाक से सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, जो भी नया है मेक श्योर टू द लाइक एंड सब्सक्राइब, क्या देखा जाए बताओ, कतई मांबा लेट